तो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो तो पिछले एक दो हफ्ते स्पेशली जब से BTS सुपरस्टार जिन बाहर आए हैं तब से फैंस के लिए सरप्राइजेस की बारिश हो रही है। पर कल तो मानो फेस्टिवल ही मन गया जब जिन को अचानक से उनके पुराने स्कूल जहां से उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई की वहां देखा गया। उनके हाथ में कैमरा लगा था जहां वो कोई शो शूट करने गए थे और जिनकी उनके स्कूल से बहुत सारी वीडियोज हमें एक के बाद एक देखने को मिली, जिनकी एंट्री से लेकर बच्चों के साथ उनकी मीटिंग की, कैफे में खाना खाने की, आर्म रेसलिंग करने की, और रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा कि जिन ने बच्चों के साथ फुटबॉल मैच खेला है। लेकिन तभी से BTS आर्मी वेट कर रही थी कि जिनकी और भी स्कूल से नई वीडियोस उन्हें कब देखने को मिलेंगी। तो आर्मी आपका ये इंतजार भी खत्म हुआ क्योंकि जिनकी स्कूल को लीव करते हुए स्कूल से जाते हुए एक और नई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जो जिनके स्कूल में आखिरी मूवमेंट्स है। उन्होंने सभी से इंटरेक्शन कर लिया है, सभी से मीटिंग कर ली है और जिन अपने स्टाफ के साथ अपनी कार में बैठकर फाइनली जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग एक और चीज नोटिस करोगे कि जिन ने ना तो वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है जिसे लेकर वो एंटर हुए थे, ये वही यूनिफॉर्म थी जिसे जिन पहनकर स्कूल जाया करते थे। लेकिन इन नई वीडियोस में जिसमें जिन स्कूल से बाहर निकल रहे हैं वहां उन्होंने ये यूनिफॉर्म नहीं पहनी है बल्कि सिर्फ एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। साथ ही साथ जिनके हाथ में कैमरा भी नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि उन्होंने जितनी शूटिंग की वो स्कूल के अंदर की और हमें वही सब व्लॉग में देखने को मिलेगी। जिन जाते हुए किसी से बात कर रहे हैं तो आप लोग ये भी देख सकते हो कितने ज्यादा हम्बल है, उनके अंदर कोई भी एटीट्यूड या फिर घमंड नहीं, जिसे देखकर आदमी को बहुत प्राउड हुआ होगा। कुल मिलाकर फैंस के लिए ये दिन बहुत अमेजिंग था और अब इंतजार है कि कब हमें जिनका ये पूरा शो देखने को मिलेगा, ये सभी मूवमेंट्स एक वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप सब लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताना।